तिवारीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की रात संपत्ति के लालच में बेटे ने पिता मधुर मुरली गुप्ता की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव के टुकड़े कर सूटकेस में भरकर गली में छिपा दिया। आरोपी के भाई की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़े बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक तिवारीपुर इलाके के सूरजकुंड आवास विकास कॉलोनी में मधुर मुरली गुप्ता परिवार के साथ रहते थे। इन दिनों संपत्ति को लेकर उनके बेटों में विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है इसी विवाद में बेटे प्रिंस उर्फ संतोष ने पिता को अकेला पाकर सिलबट्टे से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद धारदार हथियार से सिर को अलग कर दिया, कई टुकड़े में काट दिया, फिर भाई के कमरे से सूटकेस लाया और उस सूटकेस में शव के टुकड़े को रखकर घर के पीछे वाली गली में छिपा दिया। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपत्ति के लालच में वारदात की बात सामने आई है। आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, माला कर रहे थे यहाँ बैठे उसी में पीछे से माला जाप कर रहे थे भाई। पीछे से सिल सिल वो लोढ़ा से फट गया। यहाँ पे तस्वीर बहुत ज्यादा गिरा होगा, यहाँ सबसे ज्यादा गिरा होगा, नीचे सबसे ज्यादा गिरा होगा, ये सबसे ज्यादा यहाँ डाटा यहाँ यहाँ पे देखे सब गिरा पीछे जी पीछे यहाँ पे गिरा हुआ है। फोटो में भी फोन का डब्बा हो रहा हूँ। दरवाजा खोलिए। अरे फोन कर लो। संदीप यहीं से स्टार्ट कर। हाँ बना लेते जो क्या मामला था? बहुत जरूरी भाई ने पिता को पिताजी को क्या किया? हमारी मम्मी ओ हमारी दादी दुकान में बाहर बैठी थी और पापा उनको बैठा के अंदर आ गए 6 बजे करीब। कहें कि आप यहाँ बैठिए, हम अंदर जा रहे हैं पूजा करने, तो पूजा करके आएंगे फिर बाहर पूजा करेंगे। तो ऐसे पापा बाहर आए, अंदर आए पूजा करने के लिए, भैया बाहर चलेंगे दुकान में, दुकान में बाहर चले गए। दादी को हमारे चाचा के दुकान पर भेज दिए, कहें कि आप जाइए, हम शटर डाउन करके हम जा रहे हैं कहीं। जैसे दादी गई शटर डाउन कर दिए, फिर अंदर पापा भैया दोनों लोग खाली रह गए। फिर 2-3 घंटा तक शटर डाउन ही रहा। फिर उतने ही देर में अपना कांड कर दिए और 2-3 घंटे बाद जब शटर खुला तो पापा कहीं नामो निशान नहीं मिला। कैसे मारे थे? जैसे पापा पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे, भैया वहां से लोढ़ा लेके आए, लोढ़ा लेके आए कि सर पे खूब तेज मारे, इनका से पीछे से मारे, सर इनका फट गया और बेहोश हो गया। फिर लकड़ी वाला आरी, लकड़ी काटने वाला आरी लिए, उसे पूरा गर्दन पूरा काट के एकदम अलग कर दिए और वही काटते समय जितना खून छिद्राया था तब वही। किस तरह से घटना का अंजाम दिए? तो क्या बता रहे हैं जैसे तो फिर बॉडी का क्या किए? बॉडी के हमारा वो सूटकेस था, उसमें अपना कपड़ा रखे, कपड़ा फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए थे और फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए। फिर वही उसमें सूटकेस में मुंडी अलग था, वो अलग बोरा में किए। आप लोग देखे थे बॉडी को? बॉडी तो जब वो पुलिस और आ गए थे उसके बाद बहुत रात में जब खोदे तब बॉडी मिला जाके। मारने की वजह? भैया अपना गाड़ी गिरवी रखे थे, गिरवी रख के 40,000 रुपया लिए थे, तो वो उनका भुगतान करने के लिए पैसा था नहीं उनके पास। और सामने एक टाइल्स वाला कबाड़ रखाता है दुकान है, भैया कहें कि इसको दुकान से वापस कहें इसको किराए पे दे दीजिए और जो पैसा मिलेगा उसे अपना गाड़ी छोड़ा लेंगे। पापा कहें कि नहीं, हम 2-2 दुकान पहले ही दिया गया है, उसको पहले छोड़ाना है और इसीलिए उनका मर्डर कर दिए। क्या नाम था आपके पिताजी का? मधुर मुरली गुप्ता। क्या भाई का नाम है? प्रिंस कुमार। क्या नाम? प्रिंस कुमार गुप्ता, प्रशांत कुमार हमारा नाम। बंद कर दीजिए, ऊपर बंद कर दिया। चलिए जनपद गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में कल रात्रि प्रशांत नाम के कॉलर ने 112 को कॉल किया और बताया कि उनके पिताजी गायब हैं एवं अंदेशा है कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। इस बात की सूचना मिलने पर थाना तिवारीपुर की पुलिस देर रात मौके पर पहुंची एवं अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उसके भाई से पूछताछ की, घर की छानबीन की गई तो उसमें कुछ ब्लड के निशान मिले।
अब उन निशानदेही के आधार पर यह पता चला कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित हुई है। इस पर घर के विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई, तब पता चला कि वो लोग 10:15 बजे के आसपास अपने घर पे आए थे। तभी उनका भाई स्कूटी लेके बाहर जा रहा था। पिताजी के बारे में पूछने पर वह कुछ ज्यादा बता नहीं पाया। इसी बात का अंदेशा के कारण उस व्यक्ति ने 112 को कॉल किया। पुलिस ने बाद में बड़े भाई को हिरासत में लेके अच्छे से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी की, जो उसमें शाम के समय बैठे थे, उनसे किसी बात को पैसे के आर्गुमेंट को लेके कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद में जब वे अकेले बैठे थे तब उन्होंने उसके सिर पे डंडा मारा और उसके बाद में आरी से गला रेत कर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में सबको ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में डालकर वह ले जा रहा था। इतने में ही उनके भाई ने पुलिस को सूचना दे दी थी। इस तरह अभियुक्त प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने, एवं उसके पास से आला कत्ल को बरामद किया गया है, एवं उसको गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।